नमस्कार दोस्तों दोस्तों प्रेगनेंसी के बाद कई प्रकार की समस्याएं महिलाओं को नजर आ सकती हैं। उनमें से एक समस्या है बाल झड़ने की। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ने की समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे गर्भावस्था के बाद बाल क्यों झड़ते हैं, क्या गर्भावस्था के बाद बाल झड़ना आम बात है, बाल झड़ने के क्या कोई लक्षण नजर आते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था के बाद बाल झड़ते हैं, इसका क्या प्रमुख कारण है? पहले हम बालों के जीवन काल को समझ लेते हैं, तभी इस बात को समझ पाएंगे। बाल के जीवन काल को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में वह काफी ज्यादा ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं और तीसरे हिस्से में बाल झड़ जाते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है वह उन दोनों के बीच का पीरियड होता है। जब बाल ग्रोथ करने के स्टेज से कमजोर होने के स्टेज में आते हैं तो वह झड़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला के शरीर में हार्मोन्स बदलाव बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो इस वजह से जो बाल का पहला चरण है वह काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, अर्थात बाल दूसरे चरण में नहीं पहुंचते हैं और फिर तीसरे चरण में भी नहीं पहुंचते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं। असल में प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से बालों को बहुत ज्यादा पोषण प्राप्त होता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है, वह जल्दी से नहीं झड़ते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी समाप्त होने लगती है उन हार्मोन्स की मात्रा शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है और बाल जो पहले से ही अपनी उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं वह अचानक से काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं और इसलिए प्रेगनेंसी के बाद महिला को बाल झड़ने लगते हैं। यह वह बाल है जो प्रेगनेंसी के दौरान झड़ जाने चाहिए थे लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं झड़ते हैं, उनका जीवन काल लंबा हो गया है, अब वह प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि अक्सर महिलाओं के बाल जब प्रेगनेंसी के बाद झड़ते हैं तो यह सामान्य माना जा सकता है, क्योंकि लगभग 30% बाल ऐसे होते हैं जो थर्ड स्टेज में होते हैं, इसलिए 100 से ज्यादा बाल रोजाना झड़ सकते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है क्या प्रेगनेंसी में बाल झड़ने के कुछ स्पेशल लक्षण होते हैं, तो ऐसे कुछ विशेष लक्षण नजर नहीं आता है जिससे आपको यह लगे कि बाल झड़ने लगे। लगभग 80 से लेकर 125 तक बाल महिला के रोजाना झड़ सकते हैं। असल में महिला के बाल लंबे होते हैं तो वह बहुत ज्यादा नजर आते हैं। सर पर शैम्पू करने के बाद जब आप कंघे करते हैं तो बाल गुच्छों के रूप में झड़ते हुए नजर आते हैं। यह थोड़ी सी तनाव देने वाली स्थिति बन जाती है, लेकिन आपको यह बात अपने दिमाग में रखने की यह एक सामान्य बात है। जो बाल 9 महीने तक नहीं झड़े हैं अब उनके झड़ने का टाइम है। कई बार आप देखेंगे कि आपके बालों की जो चोटी है वह काफी मोटी हो गई है, क्योंकि वह बाल थे जो झड़ जाने चाहिए थे, अब वह झड़ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा तनाव लेना सही नहीं रहता, यह नुकसान देगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।